देश में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार, 24 घंटे में 3600 नए लोगों को कोरोना। देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 2300 के करीब पहुंचा, पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का संक्रमण, करीब 5,000 लोग ठीक हुए, राज्य में मौतों का आंकड़ा 900 के करीब। दिल्ली में कोरोना मरीज 7,000 के पार, अब तक 73 मौतें। गुजरात में कोरोना मरीज 8,500 से ज्यादा, अब तक 500 से ज्यादा ने तोड़ा दम। करीब 50 दिन बाद आज से शुरू हो रही है रेगुलर रेल सेवा, दिल्ली से 15 रूट्स पर दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया एसी रेलगाड़ियों का टाइम टेबल। आज 8 ट्रेनें चलेंगी, हावड़ा से नई दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली, नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ और बेंगलुरु से नई दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन। नई दिल्ली से बेंगलुरु और बिलासपुर, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए भी ट्रेन आज। नई दिल्ली स्टेशन पर पहाड़गंज की तरफ से मिलेगी मुसाफिरों की एंट्री, बिना कंफर्म टिकट वालों को नहीं मिलेगी इजाजत। ट्रेन में यात्रा के दौरान स्पेशल डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल, मास्क भी जरूरी, हेल्थ प्रोटोकॉल का रखना करना होगा पालन। कल टिकट बुकिंग शुरू होते ही अटक गई आरसीटीसी की वेबसाइट, 4 बजे की जगह 6 बजे से हुआ रिजर्वेशन, 3 घंटे में 54,000 से ज्यादा टिकट बुक। ट्रेनों की आवाजाही को लेकर स्टेशन पर तैयारी, प्लेटफॉर्म की साफ सफाई और कोरोना के हिसाब से बदलाव किए गए। अगले कुछ हफ्ते तक रोजाना 100 श्रमिक ट्रेनें चलाने की योजना, सभी राज्यों से रेलवे को सहयोग देने की अपील। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए चलाई जा चुकी है 468 ट्रेनें, अब तक करीब 5,00,000 श्रमिकों को घर पहुंचाया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर नियमों में बदलाव, जिस राज्य में पहुंचेगी ट्रेन वहां 3 स्टेशन पर रुकने की इजाजत। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैराथन बैठक, लॉकडाउन 3 के बाद एक्शन प्लान पर मंथन। पीएम ने दिया जन से जग तक का नारा, कहा अब सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकना। लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों पर राज्यों को ज्यादा अधिकार देने का फैसला, पीएम ने कहा हालात देखकर बनाएं रणनीति। पीएम के साथ बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल ने बताया जरूरी। दिल्ली के सीएम ने की लॉकडाउन में ढील की मांग, कहा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी राजधानी में शुरू हो आर्थिक गतिविधियां। गुजरात के मुख्यमंत्री चाहते हैं खत्म हो लॉकडाउन, आंध्र प्रदेश ने भी जल्द से जल्द सारे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की। पीएम के साथ बैठक में ममता बनर्जी का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल, कोरोना को लेकर राजनीति ना करने की नसीहत। बैठक में ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा बंगाल पहुंचने से पहले कैसे लीक हो जाती है गृहमंत्री की चिट्ठी। पीएम के साथ बैठक में पंजाब सरकार ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग, कहा लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए अच्छी एग्जिट पॉलिसी की जरूरत। तमिलनाडु और तेलंगाना ने रेल और हवाई सेवाओं को लेकर उठाए सवाल, कहा शुरू किया तो होगा नुकसान। महाराष्ट्र के सीएम ने ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की रखी मांग, कहा मजदूरों के लिए शुरू हो लोकल ट्रेन सेवा। राजस्थान के सीएम ने जोन को लेकर उठाए सवाल, कहा लोगों से रेड जोन से ग्रीन जोन में जाने की इजाजत नहीं मिले। दारुल उलूम देवबंद ने ईद और अलविदा की नमाज के लिए जारी किया फतवा, लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में ईद और अलविदा नमाज घर में पढ़ने का संदेश, अल्लाह से कोरोना से मुक्ति की करें दुआएं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के मुताबिक ईद के लिए नए कपड़े जरूरी नहीं, कोई किसी के घर ना जाए, घर पर ही खुशियां मनाए। लॉकडाउन बढ़ने की मस्जिदों को परमिशन ना मिलने पर वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी, ना किसी के गले मिले ना हाथ मिलाए। यूपी के बुलंदशहर में क्वारंटीन सेंटर में युवती की मौत, परिजनों ने टीबी को बताया मौत की वजह, कोरोना जांच के लिए लिया गया सैंपल। रायबरेली में प्रवासी मजदूर की हादसे में मौत, साइकिल से बुलंदशहर ले जाया जा रहा था, कार से हुई टक्कर। प्रवासी मजदूरों के लिए झांसी से लाई गई स्पेशल ट्रेन, दूसरे प्रदेशों से पैदल झांसी पहुंचे मजदूरों को उनके जिले में भेजा गया, यात्रियों ने ताली बजाकर जताई खुशी। टिकट का पैसा देकर श्रमिक स्पेशल से गुजरात से देवरिया पहुंचे 1200 मजदूर, रेड कार्पेट बिछाकर हुआ स्वागत, दिए गए खाने के पैकेट। गुजरात से 1,616 मजदूर यूपी के शाहजहांपुर पहुंचे, 40 बसों से भेजा गया गृह जनपद। पुणे से झारखंड निकले करीब 200 मजदूर, कहा फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अमृतसर और महाराष्ट्र के जालना से यूपी के उन्नाव पहुंची श्रमिक स्पेशल, 58 जिले के 1,222 मजदूर को बसों से किया गया रवाना। गुजरात के अहमदाबाद से रामपुर आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 1200 मजदूरों को लाया गया, सभी का कोरोना सैंपल लेकर बसों से भेजा गया घर। सूरत से उड़ीसा जा रही श्रमिक स्पेशल में सवार मजदूरों ने कलेक्टर पर बरसाए फूल, जय जगन्नाथ का लगाया नारा। सूरत से 1200 प्रवासियों को लेकर काठगोदाम पहुंची ट्रेन, प्रशासन ने थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 40 बसों में सभी को उनके गृह जिले भेजा। प्रयागराज में पैदल और साइकिल से बिहार जाते दिखे मजदूर के जत्थे, मुंबई से साइकिल पर निकले थे।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों को पीटते देखे पुलिसकर्मी, डंडे और पैर से प्रहार, पुलिस ने चार मजदूरों पर किया बदसलूकी का केस दर्ज। राजगढ़ में हाईवे पर हुई मजदूर की मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट उसकी आई पॉजिटिव, महाराष्ट्र से यूपी के लिए निकला था युवक, शव नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोया पिता। दिल्ली से साइकिल से मधुबनी पहुंचे युवक की क्वारंटीन सेंटर में हुई मौत, बरपा हंगामा, लोगों ने कोरोना जांच और मुआवजे की मांग की। उत्तरकाशी में फंसे जम्मू कश्मीर के 80 मजदूरों को प्रशासन ने बस से घर भेजने का किया इंतजाम। मुंबई के मध्य प्रदेश लौटे हजारों ऑटो चालक, सीहोर में बाईपास पर लगा ऑटो का रेला, ऑटो में सवार होकर महाराष्ट्र से यूपी के फतेहपुर पहुंचे प्रवासी मजदूर, कर्ज लेकर चुकाया 5-5 हजार रुपए का भाड़ा। मंदसौर में लॉकडाउन में फंसे बिहार के युवक की खुदकुशी, घर न जा पाने से था परेशान। यूपी के फिरोजाबाद से पैदल मध्यप्रदेश के लिए निकली मजदूरों की टोली, महिलाएं बुजुर्ग बच्चों के साथ सिर पर गठरी रखकर निकले सभी। धार में सीएम योगी की फोटो के साथ पैदल सफर करते दिखे प्रवासी मजदूर, यूपी ले जाने के लिए मदद की गुहार। मुंबई से पाली आए कुछ लोगों ने गांव और परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए खुद को किया क्वारंटीन, फिलहाल गांव के बाहर झोपड़ी में कर रहे हैं गुजारा। वंदे भारत रेस्क्यू मिशन जारी, दुबई से 170 भारतीयों के साथ कोची पहुंची फ्लाइट। मलेशिया के कुआलालंपुर से चेन्नई पहुंचा एयर इंडिया का विमान, 180 भारतीय किए गए रेस्क्यू। वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से रेस्क्यू किए गए भारतीय सभी को मुंबई एयरपोर्ट लाया गया। सूरत में मेडिकल सामग्री ले जा रहे ट्रक में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। 1208 मजदूरों को लेकर अहमदाबाद से बिलासपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल, सभी को किया जाएगा क्वारंटीन सेंटर पर स्पेशल पुलिस दस्ते और महिला कमांडो की होगी ड्यूटी। लॉकडाउन में मालामाल हुआ राजस्थान का परिवहन विभाग, लॉकडाउन तोड़ने वाले वाहन चालकों से वसूल किया 5 करोड़ रुपए जुर्माना। राजस्थान में लॉकडाउन तोड़ने पर 1,28,000 वाहनों के अब तक किए जा चुके हैं परमिट जब्त। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंडियों के समय में बार बार बदलाव से परेशान हुए कारोबारी, सड़क पर सब्जियां फेंक कर लगाए मोदी योगी के खिलाफ नारे। एयर इंडिया के लिए राहत भरी खबर, 5 कोरोना पॉजिटिव पायलट्स की रिपोर्ट निकली गलत, नई जांच में 4 पायलट्स की रिपोर्ट नेगेटिव। एयर इंडिया का एक पायलट, इंजीनियर और टेक्नीशियन की नई जांच रिपोर्ट का इंतजार। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पुलिसकर्मियों को कोरोना से सुरक्षित रखने का दिया भरोसा, कहा उठाए जाएंगे एहतियातन सभी कदम। कर्नाटक के शिवमोगा में नर्स रूपा प्रवीण के समर्पण की सीएम येदियुरप्पा ने की तारीफ, 9 महीने की प्रेग्नेंट रूपा कोरोना संकट में लगातार मरीजों का कर रही है इलाज। हरिद्वार में पश्चिम बंगाल के 700 लोग फंसे, ममता सरकार पर सुध नहीं लेने का आरोप। मध्यप्रदेश में शराब माफिया के हौसले बुलंद, टीकमगढ़ में जांच के दौरान पुलिसकर्मी की गाड़ी में अगवा करने की कोशिश, टेक ऑफ शराब तस्करों ने पुलिसकर्मी को पहले बाइक समेत धक्का देकर गिराया फिर जड़े थप्पड़। पुलिसकर्मी ने ललितपुर से बाइक पर शराब लेकर आए युवकों को रोका था, इसी दौरान ब्रेजा गाड़ी में सवार उनके साथ ही आकर पुलिसकर्मी से उलझ गए। बारामती में कांस्टेबल ने की खुदकुशी, वजह अब तक साफ नहीं। एलजी गैस प्लांट मामले में शव के साथ प्रदर्शन कर रहे 28 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया केस, 2 लेफ्ट नेताओं समेत 7 गिरफ्तार। कोरोना संकट के बीच सिक्किम में रचा इतिहास, 3 महीने में सामने नहीं आया संक्रमण का एक भी मामला। दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए लगाई गई जनहित याचिका, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए उद्धव का नामांकन निर्विरोध चुने जाने के आसार, आखिरी वक्त में कांग्रेस ने हटाया दूसरा उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा बहाल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तुरंत बनाई जाए कमेटी। कमेटी में शामिल होंगे गृह सचिव, दूरसंचार सचिव, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, कोर्ट का निर्देश, सुरक्षा से तालमेल बनाते हुए किए जाए उपाय। पटना जिले का बाढ़ बना कोरोना का हॉटस्पॉट, 2 दिन में सामने आए 11 कोरोना पॉजिटिव। बोकारो में मिले 7,000 के पुराने नोट, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले युवकों ने पुलिस को दी जानकारी, जांच जारी। राजस्थान के चुरू में लगातार चढ़ रहा है गर्मी का पारा, कोरोना योद्धाओं को छाछ लस्सी पिलाकर राहत देने की कोशिश कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में बारिश ने किसानों को किया परेशान, आम की फसलों को भारी नुकसान। 81 अंकों की गिरावट के साथ 31,561 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 12 पॉइंट गंवाकर 9,239 पर बंद।